अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग आइडियाज। हाउ आर यू फ्रेंड्स? होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग ग्रेट। इन टुडे वीडियो आई विल शो यू शॉर्ट पिक्सी एंड मैसी हेयर कट्स आइडिया सिलेक्शन फॉर फाइन एंड थिन हेयर्स। एंड यू कैन ऑल्सो वॉच स्टाइलिश बिग वॉल्यूम हेयर कट्स विच आर लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग ऑन दी सेलिब्रिटीज एंड मॉडल्स। And if you like any haircut from this video, you can also take a screenshot, and when you want these kinds of haircuts, you can achieve them. And if you are new on my channel, so please make sure like, subscribe and share it with your friends and family members so they can also watch these videos or video up. इस पूरी वीडियो में आपको 50 प्लस आइडियाज देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश स्टनिंग है एजी वुमेन्स के लिए। इट्स ऑल परफेक्ट फॉर 30 प्लस, 40 प्लस, 50 प्लस। एंड इसमें आपको सिल्वर, ब्राउन, ग्रीन, ग्रे और डिफरेंट टाइप्स के हेयर कट्स और हेयर कलर्स के आइडियाज देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही प्यारे हैं। आजकल इस तरह के हेयर कट बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ट्रेंडिंग में हैं और लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने अचीव किए हुए हैं। इस तरह के हेयर कट्स को आप ब्लो ड्राई कर सकते हैं, स्ट्रेट कर सकते हैं, मैसी लुक क्रिएट कर सकते हैं। जैसा भी आपका दिल करता है आप उस तरह से इनको स्टाइल कर सकते हैं। और देख सकते हैं कितने हसीन लग रहे हैं इन पर, क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हेयर कट्स हैं ये, लोग बेइंतहा पसंद कर रहे हैं। आपने देखा इसमें कुछ जो हैं बैंग से साथ हैं, कुछ जो हैं फ्रंट के लॉन्ग वुल्फ हेयर कट के साथ हैं शॉर्ट हेयर्स। और अगर आपको बॉब कट पसंद है विद लॉन्ग बैंग्स तो आप वो भी करवा सकते हैं। डिपेंड करता है आपके स्टाइलिंग पर, आपके फेस कट पर कि आपको किस तरह का सूट करेगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपने हेयर कट अचीव कर सकते हैं। और अगर आपको आपके लॉन्ग हेयर्स हैं और आपको एकदम शॉर्ट करवाने हैं तो आप लोग पहले अपनी कोई पिक्चर वगैरह को एडिट करके चेक कर लेंगे आपके ऊपर शॉर्ट हेयर्स किस तरह के लगेंगे। बहुत सारे लोग पहले करवा लेते हैं, बाद में उन पर सूट नहीं करते, फिर वो बहुत पछताते हैं। तो आप लोग पहले अगर अपनी पिक्चर वगैरह एडिट करके चेक कर लेंगे हमारे पे सूट करेंगे या नहीं, उसके बाद आप करवाएं तो वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसी तरह कोई हेयर कलर, हेयर डाई आपको करवाना हो तो पहले आप पिक्चर्स एडिट करके चेक करें, उसके बाद उन्हें अचीव करें तो वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। क्योंकि पिक्चर एडिट करने में ये होता है कि हमें पता होता है कि ये सूट करेगा हम पर हेयर स्टाइल या हेयर कट या नहीं, या हेयर कलर, तो उसके हिसाब से हम करवा सकते हैं। और आप अपने फेस के अकॉर्डिंग भी अपने हेयर कट अचीव कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका राउंड फेस है तो उस पर आप बैंग के साथ कर सकते हैं, वो बहुत क्यूट लगेंगे। और अगर आपका स्लिम एंड स्मार्ट ओवल शेप में है तो आप उसमें जो है नेकलाइन के साथ शॉर्ट कर सकते हैं जितने आपको शॉर्ट पसंद हो। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत हैं और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएंगे। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स एंड कीप वॉचिंग टिल द एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।